उधर नहीं लेने का है फोटो। सर मुझे थोड़ा फ्रोड चाहिए बाद में लेते हैं सर बाद में ठीक है। हेलो 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 तुषार तुषार बप्पा नहीं देख रहे बात 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 अरे उनको सर जी जितेंद्र सर जीतू जी जीतू जी आपके राइट में बस छोड़ो ना मना किया उसने आएगी तो ठीक है एकता जी आइए ना अभी प्लीज एकता जी प्लीज एकता जी प्लीज जीतू जी आपका एक्शन थोड़ा थोड़ा नजदीक बाय बाय लुक हियर थैंक यू सर चलो तुषार एंड जितेंद्र गणपति उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आप सबको हर साल आप लोग बहुत धूमधाम से स्वागत करते हैं इस बार क्या कुछ तैयारियां की बापा के लिए आप साइलेंस मेरे लिए ये फेस्टिवल मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ है जहाँ मैं पहले रहता था मुझे होश जब से मैंने होश संभाला है मेरे गिरगाम में गणपति वॉज द मोस्ट डेकोरेटेड फेस्टिवल 11 दिन तक रोज प्रोग्राम्स होते थे आरतियाँ होती थी बिल्डिंग में 50 फैमिली रहती थी एक बिल्डिंग में तो 50 फैमिलीज में आरती होती थी और हमारे एज चिल्ड्रन हम वहाँ जाते थे जहाँ पे हमको अच्छा प्रसाद मिलता था तो मेरा पूरा बचपन मेरी पूरी ज़िंदगी इसके साथ जुड़ी थी और जब मैं पाली हिल में शिफ्ट हुआ तो मेरा पहला गणपति एकता वॉज अवर 6 मंथ्स ओल्ड दैट टाइम जून में शी इज़ बॉर्न तो अब इस सितंबर में गणपति आया था 3-4 महीने की थी तो वो मेरा पहला गणपति आया था। शुरू में तो मैं जब गणपति का विसर्जन होता था
We should dance all the way from my house. Not all the way, but जू चौपाटी के नज़दीक आकर डांस करते हुए विसर्जन करते थे. इतना मज़ा आता था. और इस साल लास्ट ईयर लक्कू मेरा ग्रैंड सन लक्ष्य है, वो एक थोड़ा कम उम्र का था. ओनली वन ईयर ओल्ड, तो इसको इतना नहीं. आज आप देख रहे हैं कैसे भाग रहे हैं. तो हमारे घर में बहुत बड़ी खुशी का त्यौहार इसलिए भी है कि लक्ष्य थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा समझ रहा है. वो बाप के साथ खड़ा होता है आरती में और इट फुलफिल्स एवरीथिंग इन माई लाइफ. मुझे लगता है, ऐसा लगता है ज़िंदगी में मैंने मेरे बच्चों के साथ इतना टाइम वक्त नहीं बिताया, विच वॉज आई थिंक इट्स नॉट वेरी गुड थिंग. पर मैं वो लक्ष्य के साथ वो बचपना बिता रहा हूँ और वो मज़ा, मुझे मज़ा आ रहा है जो मैं मिस कर गया था. तुषार, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस खास मौके पर? मेरे लिए तो ये फैमिली ट्रेडिशन है जो इन्होंने कहा, इनकी वजह से ही मैं भी आज पूजा कर रहा हूँ. तो पिछले कुछ 4-5 सालों से मैंने पूजा शुरू करना, मैंने जब पूजा आरंभ करना शुरू किया है और रेस्ट ऑफ द फैमिली जॉइंस मी लेटर. तो ये ट्रेडिशन मेरे बाद लक्ष्य को भी करना पड़ेगा. तो डैड की वजह से अब ये मतलब फॉरएवर होने वाला है ये फैमिली ट्रेडिशन गणपति उत्सव का. एंड ही इज़ लाइक अ मेम्बर ऑफ आर फैमिली जो हर साल आते हैं. एंड हमारी फैमिली में एक पॉजिटिविटी आ जाती है, एक रौनक आ जाती है पूरे शहर में. तो इसके बारे में जितना कहेंगे आपको कम होगा. So what's this day like for you? Are you excited? Is your son excited for this? हम लोग पहले से मतलब कि एक हफ्ते से एक मतलब कि एक चर्चा थी हमारे घर में कि मतलब पापा आ रहे हैं. तो आज खुशी तो होगी क्योंकि इतनी रौनक हो गई है, इतना मतलब जैसे कि डैड ने कहा कि अभी लक्ष्य एक अलग नज़रिए से देख रहा है इस उत्सव को. तो हाँ, डेफिनेटली एक्साइटेड है और इन पाँच दिनों का खूब मज़ा लेंगे. मतलब खूब श्रद्धा से पूजा करेंगे लेकिन मज़ा भी लेंगे. गणपति बाप्पा का एक नारा अगर आप लोग साथ में मिलके लगा दें हमारे लिए. गाना तो मैं ही गा सकता, ये गाएंगे. एक नारा मतलब गणपति बाप्पा मोरिया जो भी. भगवान ने इस फैमिली में अच्छा गला मुझे को ही दिया. हालांकि मैं अपनी आवाज़ सुन के डर जाता हूँ. गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया. थैंक यू सो मच. थैंक मैं आने का कर रहा हूँ.